तो हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि ऊपर वाले सभी के बाल बच्चे पति परिवार सबको अच्छे रखे, और दुआ करिए हमारे भी अच्छे रहें दोस्तों। और ये वीडियो छोड़ के मत जाना, एंड तक देखना दोस्तों। अंदर जाके बात करते हैं, यहाँ पे बच्चे बहुत चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं दोस्तों। जैसे आपके पास चार बच्चे हैं तो चारों बच्चों को एक जैसे देखो, तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि यूट्यूब पे हमारा ज़्यादा ध्यान दे दिया करो दोस्तों। हमने शायद जब से पैदा हुए थे तब से हमने जब से खुद संभाला है, तो हमने अपने माँ बाप के राज में कभी सुख नहीं पाया। हमारी बहुत अजीब कहानी है दोस्तों, आप लोग को पूरी बता देंगे। और ये हमारी लम्बारिज की शादी है, जो हमारे पति हैं, ये हमने लम्बारिज किया था 2010 में। हमको 13 साल हो रहे हैं और बड़ा लबुआ हमारा 12 साल का है दोस्तों। तो मान लो 20 साल हमने मम्मी पापा के पास कैसे गुजारे हैं, वो तो मतलब हमारी ही माँ जो अपने कोख में रखी है, और वही माँ आज मतलब बदल गई है हम लोगों को। मतलब ये शादी हम लोग ना करते दोस्तों, मतलब प्यार करते थे। आज के ज़माने में दोस्तों लम्बारिज शादी कोई करता है तो कौन, अब तो दुनिया में भारत में सब जगह हो रहा है, और जो लोग बहुत इज्जतदार हैं वो नहीं कर रहे दोस्तों। तो हमने कर लिया था, तो जब मुमकिन है तो मम्मी बहुत हम लोगों ने परेशान करती रहा, तो इतना ज़्यादा हम लोग टॉर्चर करती रहा कि उनका बस यह कहना रहा है कि मर जाओ मर जाओ। तो हमारे जीवन में हमारे पति आ गए दोस्तों, यही पति का रंजीत, मतलब ऐसे रंजीत व्यापारी के नाम से बहुत लोग जानते हैं। ऐसे घर में लल्लू लल्लू, सब लोगों में हमारे मोहल्ले में सब लोग लल्लू लल्लू कहते हैं। तो हमारी मम्मी की आदत है कैसी दोस्तों की हम लोगों को मारती थी, पीटती थी, बहुत मारती थी। और दोस्तों मारते मारते हमारे 3-4 जगह सर में कपड़े, मतलब हमारे उन्होंने फाड़ दिया। पहले हंसियाँ चलती थी, हंसिया लोगों से हंसिया से मार देती थी, तो कहीं खोपड़ी फट जाती थी, ये देखो सब दाग बने हुए, और कहीं क्या मार देती थी मतलब कब। और जब से 4 बहन में एक जो दीदी ख़त्म हो गया है, तो वो जब से वो मतलब दो का प्यार करती रहा है, और एक हमसे बड़ी बहन है उन्होंने प्यार करती रहा, हमने प्यार करती रहा। और पापा थोड़े हैं तो सीधे से सादे हैं, तो मतलब वही थोड़ा पढ़े लिखे पापा हमारे, तो लड़ाई उड़ाई करने रहा थे, मम्मी तो थोड़ा दबल है। तो इसलिए दोस्तों हमको फिर इनके घर आना पड़ा, फिर इनसे हमने प्यार किया और हमारी लम्बाई शादी है। और जब आज भी हम जब थोड़ा अपने पति के मतलब साथ में थोड़ा अच्छे तरीके से रहने लगे, तो अभी भी टॉर्चर करती हैं हमको। तो यही है कि आप बताओ दोस्तों कमेंट में क्या गलत बात हम कह रहे हैं, कि आज के ज़माने में आज देखो, अगर आप देखो लड़कियां हमेशा ख़राब होती हैं माँ बाप से, और लड़के ख़राब होते हैं पिता से। तो हम लोगों की दो बहनें की कभी इज्जत हमारी माँ ने नहीं किया है, कभी भी इज्जत नहीं किया है। कभी 2010 में दोस्तों 5 रुपए का सूट खरीद के लाते थे परेटी से, वही हम लोग पहनते थे। मैम बहुत हमने संघर्ष किया है, और यहाँ पे पति के पास आए, यहाँ के लोग बहुत हमको परेशान किए हैं हमारे, पर थोड़ा हमको टाइट बनना पड़ा दोस्तों, तब जाके सुधरे ने। हम बहुत गाली वाली यहाँ पे सुनते थे सबकी, और हमारे पति दूसरे कास्ट के हैं, हम दूसरे कास्ट के हैं। और मम्मी हमारी यही हमेशा कहती थी कि भाग जाओ किसी को लेके भाग जाओ, शादी वादी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हमारे दो बहनें की जैसे ज़िंदगी कट रही है वैसे कट रही है, और कुल मिला के हमारी मम्मी नहीं सही है। अगर हमारी मम्मी दोस्तों सही होते तो काश हम लोगों को ये सब दिन न देखना पड़ता। और हमारे पति हैं जो, तो उनके ये बीमारी भगवान पता नहीं कहाँ से मिल गई, भगवान क्या करें। अब ये 4 बच्चे हैं इनके, अब यही बच्चों में आप लोगों से छोटी छोटी बातें इस तरीके शेयर करते रहते हैं दोस्तों। तो हमारा जो आज खुल के आप लोगों से बताया है, कोई ब्लॉग में नहीं बताया, कि हमारी ये बहुत दुखी कहानी है, और हमारे आमने सामने घर पड़ता है। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर की लड़की उनके तरह बैठ गई है, और हमने कोर्ट मार्जर सब करवा लिया था, और आज सही से सब रहने सहने लगे, फिर भी नहीं जीने देती है सही तरीके से, परेशान करती रहती है। और
इंस्टाग्राम पे दोस्तों उधर वीडियो हमारा वायरल हो गया, तो जो हमारी दीदी ख़त्म हो गई हैं उनका एक लड़की है घर में, खुशबू नाम है, वो अब नहीं हम लोगों को घर में रहने देती है, जाते हैं तो हमेशा ये सोचते हैं कि घर ना आए जाए। तो वो जो हमारी जिसको मम्मी प्यार करती थी वो भी बहन हमारी ऐसी थी, मतलब पर्सन टाइपी टाइप की थी थोड़ा। तो इसी तरीके हैं कि दोस्तों जैसे जैसे माँ की हमारी क्वालिटी थी वैसे बच्चे हम लोगों ने किया, तो माँ से बच्चे बिगड़ते हैं, तो हमारे हम लोग बिगड़े हैं। तो अंतर जाती हमारी शादी हुई है लम्बारिश से, तो मम्मी की वजह से हुई है। तो पापा फिलहाल थोड़ा बहुत ठीक थे, पर पापा को मम्मी दबा देती थी हमेशा, तो पापा डर के लिए बोलते नहीं थे कभी कि लड़ाई करेगी। तो यही सब बातें हैं दोस्तों, अभी भी दुख काटते चले आ रहे हैं, काटते चले आ रहे हैं, और इसी तरीके की सब कहानियाँ हैं दोस्तों। क्या बताएं आप लोगों से, बहुत मुसीबत में हम हमारी ज़िंदगी अभी भी कट रही है, मुसीबत में ज़िंदगी। सुख अभी हमको सुख नहीं है, सुख इसलिए नहीं हमारे पति सही हो जाए दोस्तों तो हमको सुख मिल जाए। और भैया आपने जो कमेंट किया है यीशु मसीह का, तो ये हमारे यहाँ नहीं चल पाएगा, हमारे यहाँ थोड़ा दूसरा व्यापार होता है मांस वगैरह का, तो ये नहीं भैया चल पाएगा। आपने कमेंट बिल्कुल सही किया है, हमने कल पढ़ा है आपका कमेंट, और आप जो बता रहे हैं कि इस बिरादरी से हो तो हम वही बिरादरी से हैं, सही बात है भैया, आपने जो बिरादरी बताया हमारी हम वही कास्ट हैं। और ठीक है भैया, जो न्यू सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, तो पहले थे अब देखो घर जाते थे मम्मी से, जब हंसते खेलते सब कुछ थे, पर मम्मी हमारे उस क्वालिटी की नहीं है, क्योंकि देखो हमको कॉलोनी मिल गई थी, हमारे पति हैं जो थोड़ा मेहनती हैं, काम वाम करते हैं, मतलब अच्छी दुकान करने लगे, तो दो चार 500 रोज कमा लेते हैं दोस्तों, तो उसमें कुछ नहीं होता, चार बच्चे पालना और घर चलाना बहुत कष्ट की बात है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यही हमारी दुखी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहे, ऊपर वाला आपके बाल बच्चे सबको अच्छे लगे।